जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको जीडी चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है न्यायप्रिय मंत्री। समय कोई भी रहा हो, आज का या पुराना, हर काल हर देश में न्यायप्रिय शासक ही जनता का प्रिय पात्र होता है। प्रस्तुत है एक ऐसी कहानी जिसमें राजा ही नहीं वरन उसका मंत्री भी न्याय की पूर्ण प्रतिष्ठा करता था। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें राजा के साथ साथ उसका मंत्री भी बहुत ही न्यायप्रिय था। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। एक बार उसने अपने मंत्री की परीक्षा लेनी चाही। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, हम स्वयं नगरों में जाकर अपने राज्य की व्यवस्था देखना चाहते हैं। हमारे जाने के बाद तुम राज्य की देखभाल करना तथा सभी को एक समान न्याय करना, सभी के साथ एक समान न्याय करना। इतना कहकर राजा अब मंत्री के हाथ में शासन की बागडोर सौंप कर चले गए। मंत्री बहुत न्यायप्रिय था। उसने यह ऐलान करा दिया कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो तो वह मुझसे आकर मिले, उनके साथ पूर्ण न्याय किया जाएगा। अतः मंत्री ने अपने महल के एक ऊंची मीनार पर एक बहुत बड़ा घंटा मजबूत रस्सी में बांधकर लटका दिया। जब भी किसी व्यक्ति को कोई कष्ट होता था वह उस घंटे को बजा देता था। मंत्री उसकी बात से ध्यान से सुनता और पूर्ण न्याय करता। कुछ वर्ष पश्चात वह रस्सी कमज़ोर हो गई। उसके स्थान पर लगाने के लिए एक मोटी रस्सी नहीं मिली तो सेवकों ने उस कुछ दिनों के लिए उस घंटे पर अंगूर की मोटी बेल लटका दी। उसी राज्य में एक वृद्ध सैनिक रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जिसने प्रत्येक युद्ध में उसका साथ दिया था। अब वह घोड़ा भी वृद्ध हो चुका था। सैनिक ने घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा घोड़ा दुखी मन से यह सोचता हुआ नगर की ओर चल पड़ा कि अब वह क्या खाएगा, कहाँ रहेगा। घूमते घूमते वह उस घंटे के पास पहुँचा जो अंगूर की बेल से बंधा हुआ था। उसने सोचा यह कोई खाने की वस्तु है। जैसे ही उसने बेल को खींचा घंटा बज गया। सभी सैनिक दौड़ते दौड़ते वहाँ आए कि घंटा किसने बजाया। वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था। सैनिक घोड़े को देखकर बहुत हैरान हो गए। उनमें से कुछ सैनिक घोड़े को भगाने लगे। तभी मंत्री वहाँ आ गया और बोला, घोड़ा भी मेरी प्रजा है, आप लोग कैसे यह कर सकते हैं, उसे कोई कष्ट नहीं है। मंत्री ने सैनिकों से पूछा, यह घोड़ा किसका है। सैनिक तुरंत घोड़े के स्वामी की खोज में निकल गए और वृद्ध सैनिक को मंत्री के पास ले आए। मंत्री ने उस आदमी से पूछा, क्या वह घोड़ा तुम्हारा है। तो वह कहा, हाँ यह मेरा ही है। तो मंत्री ने पूछा, यह यहाँ क्यों घूम रहा है, तुम इसे खाने को नहीं देते। तो सैनिक ने सिर शर्म से झुका लिया और कहा, मंत्री ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उसने अपनी जवानी में तुम्हारी बहुत सेवा की, अब यह बूढ़ा हो गया है तो तुम इसका ख्याल नहीं रखोगे। इस घोड़े को घर ले जाओ और इसकी देखभाल करो। सभी लोग मंत्री के इस न्याय से बहुत खुश हुए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने मंत्री की प्रशंसा की तथा उसे बहुत सारा धन पुरस्कार स्वरूप दिया और कहा, तुम मेरी इस परीक्षा में सफल हो गए। तो देखा बच्चों, एक न्यायप्रिय मंत्री ने अपने प्रजा के साथ साथ प्रजा के ही एक जानवर जो घोड़ा था उसके साथ भी पूर्ण न्याय किया। धन्यवाद बच्चों।